भी ये आपने ना अभी जितने भी मॉडल है ना आईफोन के, उसका अगर बैक ग्लास लेजर पे चेंज करना हो ना, तो उसका ये तरीका कार है। इसमें सारे मॉडल मौजूद हैं, ये देखें। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। चलो बिस्मिल्लाह करो। ये देखें, नुकसान भी ना ये वायरलेस को कोई नुकसान पहुंचाता है और ना कैमरों को, क्योंकि हर मॉडल का इसके अंदर डाई मौजूद है, ये उस हिसाब से कटिंग करेगा। किसी चीज़ को, आपका एंटीना को, किसी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कंप्यूटराइज काम होते हैं इसमें। आपके आपके पास कितने मॉडलों का चेंज हो सकती है इसमें? जितने भी मॉडल अभी तक लेटेस्ट आए हैं ना, 14 प्रो मैक्स तक, सारे मॉडल चेंज हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो इसकी प्रिंट एज वाले जो मॉडल है, जिस तरह वन प्लस हो गया, सैमसंग के मॉडल हो गए, स्क्रीन जो गिलास होती है, वो भी इसमें चेंज हो सकती है? ये फ्रंट अगर डाई मौजूद है इसके अंदर, जिस तरह की डाई आप अगर मैनुअल खुद बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तो जो डाई इसको देंगे उस मुताबिक कटिंग कर देगा। बस इसको जिस तरह का पैटर्न आप देंगे ना, ये उस हिसाब से कटिंग कर देगा। अच्छा अच्छा, अगर आपके पास उसका बैक गिलास भी चेंज हो सकते हैं, और जो एलसीडी गिलास है वो भी चेंज हो सकते हैं। एलसीडी गिलास की सिर्फ साइडों का रिंग कटिंग करेगा, वो चेंज तो जाहिर सी बात है, एलसीडी गिलास तो उतारना का तो और हिसाब किताब होता है ना। ठीक, ये सिर्फ रिंग से निकालने के लिए होता है। खैर जी, आप कोई भी, उसके अलावा मुख्तलिफ 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन है इसकी। आप कोई भी चीज़, कोई डायग्राम, कोई चीज़ पाउच कवर के पीछे, चार्जर के ऊपर टैग लगाना, 100 काम कर सकते हैं आप इस। ये 3 घंटों का काम आपको 15 मिनट में करके दे देगा। वो भी साफ सुथरा कंपनी वाला ओरिजिनल काम है? ओरिजिनल काम, आपको गम साफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, असल चलो ये तो मॉडल छोटा है, 8 प्लस है ना, तो इसमें जो 14 होते हैं और जिस तरह 13 होते हैं, उनके ना फिर जो कैमरे लेंथ वाली जो जगह होती है ना, वहाँ पे फिर काम बहुत मुश्किल हो जाती है ना। अक्सर अक्सर कैमरे लेंथ खराब हो जाते हैं। कैमरा लेंथ नहीं खराब होता है, क्योंकि उस जो नहीं, लोकल जब आप उतारते हो हाथ से ना, जी जी जी, उनमें फिर ये मसला ज्यादातर आ जाती है, सफाई भी नहीं होती है उनके साथ। अक्सर लोग वायरलेस का कट कर देते हैं, फिर सिग्नल का प्रॉब्लम आ जाता है सेट में, इससे प्रॉब्लम बस ये क्लियर हो जाए। अब डन हो गया, डन हो गया, यस हो गया, इधर ये यस हो गया। ठीक है, अब आपने आपका काम उसका ख़त्म हो गया। ठीक है।